Next topic is causes of refraction. When a ray of light passes from a medium to another medium, its direction or path changes because of the change in speed of the light is going from one medium to another. हाँ, ये कह रहे हैं कि जब एक लाइट की रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन जो है क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट. डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इफ लाइट स्लोस डाउन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इफ लाइट स्पीड्स अप इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. If the speed of light remains the same in passing from one medium to another, the rays of light does not bend. It passes undeviated. तो ये क्या है? One medium से जब in passing from one medium to another, जब एक medium से दूसरे medium में जाती है, तो if the light slows down, अगर light की speed कम हो जाती है, तो bends towards a normal. और किस केस में होती है? पता है आपको? If light slow. अभी करवाया था आपको, जब rarer to denser जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल. और फिर क्या हो गया? जब rarer to, आपको ये को रिलेट करो कि जब rarer to denser जाती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. ठीक है. और अगर इफ लाइट स्पीड्स अप, अगर स्पीड्स अप होती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होती है? जब ये डेंसर टू रेरर जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज If the speed of light remains the same in passing from one medium to another, हाँ, the ray of light does not bends, it passes undeviated. हाँ, तो ये कब होता है? अभी आपको समझाया था, जब नॉर्मल जो स्पीड है वो एक जैसी कब रहती है? जब लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल के साथ साथ, जैसे नॉर्मल है 90 डिग्री के लाइट जो है इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी सेम ही जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट. और इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट जा रही है मतलब रे की स्पीड क्या है? सेम है. सेम है. तो डेविएशन क्यों होती है? क्योंकि लाइट की स्पीड एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड का चेंज, स्पीड में चेंज आ जाती है. या तो स्पीड तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है. इसी वजह से वो रे जो है या तो बेंड हो जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रीड फ्रॉम हियर. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. हाँ, ये बेटा last year भी जो आपने reflection वाला chapter किया था उसमें भी same ही था. Laws of reflection भी almost ये first वाला same था. उसमें incident ray और reflected ray and normal all lie in the same plane. और यहाँ क्या आ जाएगा? incident ray, refracted ray, reflected की जगह refracted आ जाएगा and normal all lie in the सेम प्लेन. ठीक है. The ratio of the sine of the angle of incidence I to the size of the angle of refraction R is constant for the pair of given media. हाँ. Mathematically. तो वो कहते हैं रेशियो जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो साइन I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी. The constant is called the refractive index of the second medium with respect of to the first medium. Here the Greek letter mu is the symbol used to refractive index. हाँ, इसको mu पढ़ते हैं ये वाले लेटर को. तो इसको कहते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. कॉन्स्टेंट जो ये है ये mu है. कॉन्स्टेंट जो है वो जो सेकेंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम ये कांस्टेंट रहेगा. ये साइन के रेशियो साइन आई और साइन आर. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइज ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम. तो अब ये हमने क्या करना डिफाइन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू की, उसी की बात चल रही है कि यही चीज चल रही है कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये इसी की डेफिनेशन है कि जब रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम उसकी रेशियो क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी. उसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.